मैं इतना थक जाती हूँ, तो फिर मुझे सर में ना एक बार चंपी देख करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने देखा मैंने ब्लॉग भी शेयर करा, मैं दीपू से करवा रही थी, बट आज मैं करवा रही तमन्ना से। तमन्ना कह रही दीदी मैं करती हूँ। और चंपी किससे कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अनियन ऑयल। पता नहीं क्यों विंटर्स में ना मेरे बालों में डैंड्रफ इतना आ इसमें गया है। खुशबू आई है। ओ बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, तो बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। गुड वाइब्स का अनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल है विंटर्स में, और अभी जब पतझड़ आएंगे तब तो आपको बहुत ही मस्त है ये वाला ऑयल, आपको जरूर यूज करना पत्तों चाहिए। की तरह झड़ेंगे वरना हाँ बाल। पत्तों की तरह बाल झड़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो मैं इससे मसाज करवा रही हूँ और फिर मैं कल सुबह सर धो लूंगी। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि दी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो हम कौन सा ऑयल ट्राई करें। ये मेरा जिसमें दूसरी खुशबू बॉटल बहुत है, अच्छी इसकी है। पहले मेरे पास बड़ी वाली बॉटल थी। कलर ये शायद तब गुड वाइब्स का नहीं था, दूसरा था, हाँ मामा अर्थ का था, बट इस टाइम पे मैंने ये गुड वाइब्स का कर रही हूँ अप्लाई। ये भी बहुत अच्छा है। और तमन्ना बढ़िया से कर दे, ऐसे कर दे बस मैं सो जाऊँ। खाना कौन ओ बनाएगा भैया के लिए? भैया के खाने की टेंशन नहीं होती, भैया कभी खाने की टेंशन नहीं देते, वो खुद भी बना लेते हैं। मायरा, मायरा मायरा की कहाँ, टेंशन मायरा तो मुझे की, लेनी मायरा की, पड़ेगी। मायरा की तो दीदी को दे, बहुत टेंशन रहती है। सिर्फ मायरा की और किसी की नहीं, अपनी भी नहीं रहती। हाँ तो गाइज आप ये वाला ऑयल, अगर कोई अच्छा ऑयल ढूंढ रहे हो और स्पेशली अनियन हेयर ऑयल बजट में, मतलब बहुत अफोर्डेबल देख रहे हो, तो ये आप जरूर ले सकते हो पर्पल से। पर्पल पे अवेलेबल है और इसका प्राइस है 250 रुपीज जस्ट, और अभी चल रहा है अभी अप टू 50% का ऑफर, तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाएगा ये। ओ हो गाइज ऐसा है, मैं जा रही हूँ मसाज करवाने, लिंक मिल जाएगा इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको परचेज कर लेना वहां पे क्लिक करके। और अभी अब आप देखो मेरा मेकअप मसाज आगे करवानी हो तो मेरे को बुला लेना मैं कितना कर चार्ज, कितना दूंगी चार्ज लेगी, 1 कप कॉफी 1 कप कॉफी। हाय चल मैं तेरे को बना के पिलाती हूँ अभी, तू कर, मैं 2 कप पिला दूंगी, एक एक पिला दूंगी और एक तेरे को दे दूंगी रास्ते में ऑटो में जाते जाते। वैसे मैं भी तमन्ना कहती है दीदी सबके पास फोन होता है, एक मेरे पास ही फोन नहीं होता, रास्ते में सब फोन में मस्त होते हैं। मैंने कहा कोई नहीं इस अगले मंथ तू फोन ले लियो, ठीक है, तो इस मंथ तो नहीं लेगी, उसे कुछ काम है, तो वो इस बार की सैलरी को वो किसी काम में यूज कर देते, बट नेक्स्ट मंथ की सैलरी में फोन फोन ले लियो, चमकाऊंगी मैं तो तू भी फोन चमकाएगी। कहती सब ऑटो में गाने सुनते हुए जाते हैं, बस मेरे पास ही नहीं होता, तो तू आज कॉफी पीती पीती जाइए ऑटो में, सब सबको लालच आएगा इतनी ठंड में। सब फोन बंद कर देंगे, मेरी कॉफी पे नजर लगाएंगी। काले हाँ टीका लगा के ले जाऊंगी पहले काले से टी, ही। काले कप में डाल के ले जाइयो। हाँ सो गाइस चलो अब जल्दी से देखो मेरा मेकअप कैसी लग रही हूँ, मैं कमेंट करके बता देना। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, और 2021 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, 1 जनवरी के बाद जो मैं शूट कर रही हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो है। अभी तक मैंने कोई व्लॉग, कोई मेकअप ट्यूटोरियल कुछ भी शूट नहीं करा। सो आज का वीडियो होने वाला है मेरा एक मेकअप लुक जो कि मेरा कर रही है जसमीत। तो जसमीत की अगर आप इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हो, जसमीत को भी करते हो तो मुझे भी करते हो, तो भी आपको पता होगा कि जसमीत का प्रो कोर्स चल रहा है, वो मेकअप सिखा रही है अभी, प्रो कोर्स चल रहा है, तो उसके लिए मैं भी मॉडल हूँ और रोज़ उसको मॉडल मतलब मॉडल पे वो मेकअप करके सिखाई है अपने स्टूडेंट्स को। तो आज की मॉडल जो हूँ उसके वो मैं हूँ, और सायमा भी है, तो सायमा भी आ गई, सायमा ऊपर चली गई, उसका मेकअप हो रहा है, मतलब वो पहले चली गई है ताकि उसके हेयर हो जाए। और मैंने बोला कि मैं मायरा का हेम्पर मैंने सब निकाल दिया, मायरा को नहलवा कर ही मैं ऊपर आऊँगी फ्री होके। दूध पी लिया मायरा ने, परौंठी वगैरह मम्मी खिला देंगे, तो मुझे 2-3 घंटे ऊपर लग जाएंगे, और हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर ही हो रहा है घर पर ही। तो बस मैं नहा हुआ तो ली हूँ, चाय भी पी ली, और अब बस मैं मायरा को एक बार कपड़े वगैरह चेंज करवा के फिर मैं भी ऊपर चलूँगी, और फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या पहन रही हूँ, कौन सा लुक मेरा आज होने वाला है, मतलब पार्टी है, ब्राइडल है, मेहंदी है, बहुत सारे लुक्स दिखा रही है, तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होने वाला है आज, तो ऊपर जाकर ही दिखाऊंगी आउटफिट, ज्वेलरी सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं देखा अभी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऊपर पहुँच कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मायरा नहाकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और मैं भी बिल्कुल रेडी ऊपर जाने के लिए। मैंने थोड़ा सा फेस पे लगा ली है सनस्क्रीन, और क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स लगेंगे फेस पर, तो और मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि ऊपर मेकअप होना ही है, तो मैंने कुछ नहीं लगाया, जस्ट मैंने लिप्स पर लगाई है थोड़ी सी बोरेलिन, बिकॉज थोड़े से लिप्स, मेरे को तो लिप्स की वैसे ही प्रॉब्लम है और अभी तो विंटर्स है। तो बस मैं जा रही हूँ, काफ़ी सारा पानी पी के जाऊँगी। मैं ऊपर आ गई हूँ, ये है हमारी टिशा जो पहले कर रही है मेरे हेयर,
मेरे हेयर हो रहे हैं, मैंने बन बनवा लिया जिसमें मेरे बालों में, और बाहर भी सारा का मेकअप चल रहा है, और यहाँ पे सारे आउटफिट्स हैं। तो जो मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ मैं आप लोगों को दिखा, अपने सायमा की शादी में पहना था ये, मैंने उसके इंगेजमेंट पे पहना था ये, उसने उसकी इंगेजमेंट पे पहना था, और ये भी बहुत प्यारा सुंदर सा आउटफिट है जसमीत ने बनवाया भी अपने लिए। और जो मैं पहन रही हूँ वो है ये वाला आउटफिट गाइस, ये देखो बहुत ही सुंदर आउटफिट है, सबसे अच्छा मुझे यही लगा। पहले हम बन बना रहे थे बट बन में मेरे छोटे छोटे आगे के बाल निकल रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, साइड पार्टिंग करके आइनिंग कर रहे हैं। गाइस मेरे पुचरी ने मेरे लिए मैगी बना के भेजी है, और मेरे हेयर हो रहे हैं, और तमन ने इतनी एक्साइटेड है दीदी कब पहनोगे, और मैं खाऊंगी अब मैगी क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीकर आ गई थी। मायरा क्या कर रही है, बैठी है, फोटो खिंचवाएगी मेरे साथ? हाँ। मैं तो नहीं खिंचवाऊंगी, कौन हो आप? गाइस मेरा हेयर स्टाइल हो गया है साइड स्लिक करके, मेरा एकदम फ्लैट, क्या लुक, क्या कौन सा हेयर स्टाइल कहते हैं इसको, मुझे तो नाम भी नहीं पता, फ्लैट लुक, फ्लैट लुक सा कर दिया, और मुझे इसकी आदत नहीं है, तो मैं ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं फुल लगा दूं तो मैं पुराने जमाने की हीरोइन लगूंगी, बिल्कुल मुझे बहुत अजीब लग रहा है अपने आप को ऐसे देख कर, बाकी देखो मेकअप हो गया शायद लुक थोड़ा सा अलग लगे, ठीक लगे, बाकी अभी तो मेरे को खुद को पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मायरा स्नोमैन सहमति तैयार हो गई, देखो भी देखो कहां कहां सी मैंने चेन पे, मेरे नोज पे, मेरे आईज पे, मेरे फॉरहेड पे, लंगड़ी करो, लंगड़ी करो, मेरे कैसे लंगड़ी, मेरे ऐसे मेरे लंगड़ी, ये उसे उठती नहीं तो रटांग, मेरे ऐसे करो, मेरे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो 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 पकड़। तो अभी सायमा का मेकअप हो रहा था, तो मैं जब तक मायरा से मिलने आ गई नीचे, और मायरा और मैं खा रहे हैं चॉकलेट, तो जब से मैंने ब्लीच करा उसके बाद से मेरा यहाँ पे कुछ एक निशान आ गया, और दूसरा ये सायमा के एंगेजमेंट के आसपास मुझे पड़ा था, और इसको एक महीना हो गया है, ये अभी तक मेरा जा नहीं रहा, पता नहीं ये पिंपल है क्या है जो भी, ये बहुत अजीब लग रहा है मेरे फेस पर। मैंने अभी तक आप लोगों को सायमा को अपनी दिखाया, हम दोनों साथ में शूट भी करेंगे और रील्स भी बनाएंगे, तो वो देख लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे रील्स डालती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं जा रही हूँ ऊपर जल्दी से, तमन्ना आज तमन्ना लेने गई है कुछ सामान, तो फिर मैं रुक गई हूँ यहाँ पे मायरा के पास, और मम्मी अभी अपना खाना वगैरह गर्म कर रही है, मतलब डाल रही है, अभी हम रील्स बना रहे हैं, रील्स within, here we go, but somehow I'm caught in the middle, is this the end before we've even begun, should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above, I just need more.
Embrace a wondrous sea.